गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्रिया। वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन स्टेट और पोजीशन। क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन स्टेट्स और पोजीशन। इसका रूप को हम लोग जानेंगे। वर्ब का जो रूप होता है या जनरली जो है वर्ब का दो रूप होता है। एक होता है मेन वर्ब या इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा हम बोलेंगे इसको एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब इसको भी बोले हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अब जान गए वर्ब का दो रूप होता है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये सहायक क्रिया के होता है। अब हम जो दोनों को अलग अलग से हम लोग पढ़ेंगे। जो मेन वर्ब है या प्रिंसिपल वर्ब है इसका जो है रूप होता है, इसका दो रूप होता है। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है इंस्टांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यह हम जान गए कि वर्ब का दो रूप होता है, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ये हम दो नाम होता है, मेन वर्ब का मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहिए, एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहिए। मेन वर्ब का दो रूप होता है, ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इंस्टांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। हम अब जो मुख्य क्रिया होता है प्रिंसिपल वर्ब उसको जानेंगे। मुख्य क्रिया जो है जब वाक्य में एक वर्ब हो तो वह प्रिंसिपल
जब वाक्य में, जब वाक्य में एक वर्ब हो, वर्ब हो तो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक वर्ब किससे रहेगा, देखिए, जैसे वह गाती है, वर्ब हमारा कितना है, एक है। यह मेरा मेन वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, राम डांस। डांसेस क्या हो गया मेरा, प्रिंसिपल वर्ब हो गया। ही रन्स, ये रन्स जो हो गया मेरा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वर्ब को पढ़ लिए, अब एक्जिलरी वर्ब को पढ़ते हैं। एक्जिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी और वर्ब के साथ, जब किसी और वर्ब के साथ, वर्ब के साथ जब किसी और वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे मैं देखिए, आई एम पी एल ए वाई प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो ये मेरा प्लेइंग जो हो गया मेन वर्ब हो गया, और एम जो हो गया मेरा यह हेल्पिंग वर्ब हो गया, सहायक क्रिया जिसको हम कहते हैं एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी वर्ब हो गया मेरा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शी हैज रिटन ए लेटर, तो ये मेरा हैज जो हो गया, और ये रिटर्न जो है मेन वर्ब है, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। आप समझ गए ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बारे में। चलिए, प्रिंसिपल वर्ब जो होता है, वर्ब जो होता है इसका रूप होता है, यह रूप कितना रूप होता है, तो इसका पांच रूप होता है, प्रिंसिपल वर्ब का पांच रूप होता है। कैसे होता है, तो V1, V2 और V3, V4 और भी हम लोग 5 के रूप में हम लोग ग्रामर बुक में हम लोग देखे हैं, देख चुके हैं। अब वह जो हम लोग कैसे कैसे उपयोग करते हैं इसका,
जब हम इसको गो हुआ, गो मीन्स जाना, ठीक है, इसका हम दूसरा रूप में उपयोग करते हैं तो वेंट करते हैं, और तीसरा रूप में करते हैं तो गोन करते हैं, और चौथा में करते हैं तो आई एन जी लगा देते हैं, और पांचवा में करते हैं तो यह सिंगुलर बना देते हैं गोज। तो हम लोग ये तीन को अक्सर जानते हैं, दो को बहुत कम उपयोग के रूप में लाते हैं, उपयोग करते हैं लेकिन हम लोग पांच चार के रूप में नहीं जानते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब हम वाक्य बनाते हैं, हम जैसे वह जाती है, वह जाती है ऐसे बनाए हैं, तो वह जाती है तो लिखते हैं सी गोज। तो ये जो मेरा गोज आया, तो अब यहां आया, देखिए पांचवा में आया, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग यहां आई एन जी वर्ब आया, तो वी फोर में आपका जितना वर्ब होता है मेन, वह आई एन जी लगा देने से वी फोर बन जाता है, और जो फाइव है किसी भी वर्ब को हम सिंगुलर कर देते हैं एस या ईएस लगाकर, तो हम वह वी फाइव हो जाता है। अब हम इस वी वन और वी टू और वी थ्री के बारे में चर्चा करेंगे। वी वन और वी टू और वी थ्री यह हमारा जो टेंस है, उस टेंस में अक्सर इसका उपयोग हमेशा बहुत होता है। कुछ कुछ जो वर्ब होता है, जैसे हम लिखते हैं कॉल, सी ए डबल एल कॉल, कॉल मीन्स होता बुलाना, इसका वी टू में होता है कॉल्ड, और इसमें भी होता है कॉल्ड। तो कुछ हम जो ये वी टू बनाते हैं ईडी लगाकर बनाते हैं, और ईडी दोनों में ईडी लगाकर बना देते हैं। कभी कभी होता है ये दोनों चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है, कभी ये दोनों चेंज होता है, कभी भी ये दोनों सेम रहता है। जैसे मैं देखिए लिखे सेल, एस ई डबल एल, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, इसका हो गया सोल्ड, इसका भी हो गया सोल्ड, ये दोनों सेम ही रहा, डी लगाकर हम लोग इसको चेंज कर दिए। दूसरा देखते हैं सीट, एस आई टी सीट, सीट मीन्स बैठना होता है, इसका भी सीट और इसका भी सीट, तीनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सबका अलग अलग रूप बदलता है, रूप इसमें हम लोग को, अब इसका जो वर्ब है बहुत सारा वर्ब है, उस वर्ब को हम इस वीडियो में नहीं चर्चा कर सकते हैं क्योंकि वह लंबा वीडियो बन जाएगा। वर्ब आप उसका अलग से चैप्टर, जब अलग से वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से रूप चेंज होता है। आप इतना ही जानिए सिर्फ कि ये वी टू और वी थ्री जो ईडी लगाकर बनाते हैं, और टी लगाकर भी बना जाता है, ई एन लगाकर बना जाता है, और एनी द्वारा के लिए लिख कर भी बनाया जाता है। हम वर्ब का रूप को जान गए, अब हम जो उस पढ़े थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अब उसके बारे में जानते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, होता है इंस्टांटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा मेरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब। यह हुआ सकर्मक, सकर्मक क्रिया, और यह हुआ अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और यह हुआ अकर्मक क्रिया। जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहे उसको हम इंस्टांटिव वर्ब कहते हैं। यानी सकर्म कर्म हो ऑब्जेक्ट, और वो अकर्म ऑब्जेक्ट। और दूसरी है कि अगर यदि हम क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस से, क्या
क्या बोलकर सेंटेंस करेंगे, तो हमारा जिसमें आंसर मिलेगा वह मेरा सकर्मक होगा, जिसमें आंसर नहीं मिलेगा वह मेरा अकर्मक हो गया। अब उसको समझते हैं कैसे। दे हेल्प मी, हेल्प मी। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं किसको मदद करता है, तो हमारा आंसर आता है मी, जो ऑब्जेक्ट है यह हमको मदद करता है, किसी को मदद करता है। अब इस स्टेटमेंट में देखिए आई ईट, इसमें क्वेश्चन कीजिए क्या खाता है, आपको आंसर नहीं मिलेगा। मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, आपका यह सेंटेंस अधूरा है। तो जिसमें आपको आंसर मिल जाए, क्या क्यों कब किसी भी तरह से प्रश्न कर तो आपको सकर्मक क्रिया कहलाता है, ट्रांसिटिव वर्ब। और अगर यदि आंसर आपको नहीं मिले तो वह इंस्टांसिटिव वर्ब कहलाता है। और एक उदाहरण से देख लेते हैं, सी राइट्स ए लेटर, और इसमें लिखते हैं सी राइट्स वह लिखती है और वह एक पत्र लिखती है। तो हमारा जो एक लेटर, ये लेटर है वो ऑब्जेक्ट हो गया और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम सीधी सी एक शब्द में हम कह सकते हैं जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा सकर्मक क्रिया, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा अकर्मक क्रिया। ठीक है।